नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में लेटर्स। जैसे हिंदी में वर्ण होते हैं वैसे इंग्लिश में भी वर्ण होते हैं, उनको इंग्लिश में हम लेटर्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में लेटर्स कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये इंग्लिश के लेटर होते हैं। ये कितने होते हैं? इनको काउंट करेंगे तो ये पूरे 26 होते हैं। अब जिस प्रकार हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, उसी प्रकार इंग्लिश में भी लेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वावल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब वावल्स कौन कौन से होते हैं? वावल्स पांच प्रकार के होते हैं। पहला ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ और पांचवा यू। ये वावल्स होते हैं। जैसे स्वर होते हैं वैसे ये वावल होते हैं। हिंदी में स्वर होते हैं ए आई ई और इंग्लिश में ये वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। अब कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट होते हैं 21। कौन कौन से होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब पांच वावल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इस प्रकार ये पूरे कितने हो गए? 26 हो गए। 26 ही इंग्लिश में लेटर्स होते हैं और ये वावल्स होते हैं पांच और बाकी के बचे 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स और वावल्स का इम्पोर्टेंस क्या है? जिस प्रकार हम हिंदी में बिना स्वरों के व्यंजनों को नहीं बोल सकते, जैसे अपन बोलते क, तो क में एक ही ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है? एक ही ध्वनि। तो हम जैसे व्यंजन को स्वर के बिना नहीं बोल सकते, उसी प्रकार इंग्लिश में क्या होता है कि इन वावल्स के बिना हम ना कोई मीनिंग्स नहीं बना सकते। जैसे हम मीनिंग बनाए सन, एस यू एन, तो ये दो कॉन्सोनेंट है और ए क्या आ गया, बीच में यू क्या आ गया, वावल आ गया। जैसे मैं, तो इसमें भी क्या है, ए तो है वावल और ये दो क्या है, एम और पी, ये आ गया कॉन्सोनेंट। जैसे किसी का नाम देगी, जैसे अमित, तो इसमें भी ए क्या है, वावल आ गया और ये एम आई टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो और जैसे मून, मून में भी क्या है, एम और एन तो है कॉन्सोनेंट और ये डबल ओ है वावल। तो वावल्स के बिना हम कोई, जैसे हिंदी में व्यंजन स्वर के बिना हम कोई व्यंजन का शब्द नहीं बना सकते, उसी प्रकार हम इंग्लिश में भी क्या है, वावल्स के बिना कोई मीनिंग्स नहीं बनती। कोई भी मीनिंग होती है उसमें वावल जरूर आता है। कोई भी मीनिंग देख लो आप, ताकि जैसे और उदाहरण देखते, जैसे किसी नाम, जैसे सुनीता, इसमें भी दो वावल आ गए। जैसे मुकेश, इसमें भी दो वावल है। जैसे किसी शहर का नाम, अब इसमें भी ये दो वावल है। वावल के बिना
कोई मीनिंग नहीं बनती। हर मीनिंग में इन पांचों वावलों में से एक वावल जरूर आएगा, यही इनका इम्पोर्टेंस है। जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, वैसे ही ये इंग्लिश में वावल और कॉन्सोनेंट होते हैं।